आंटी जी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाए तो ये चाबी उन्हें दे दीजिएगा, मुझे एक सहेली की गोद भराई की रस्म में जाना है। ठीक है दे दीजिए। माँ तुमने मेरी गोद भराई तो की नहीं। हमारे अलग रहने से क्या वो मेरे पति नहीं रहे, मैं उनकी पत्नी नहीं रही। लेकिन बेटा गोद भराई तो सातवें महीने में। सातवें महीने में ना सही, नौवें महीने में तो हो सकती है ना। मैं कल ही सारे मोहल्ले वाले को बुला लेती हूँ। बस क्या माँ सिर्फ मोहल्ले वालों को बुलाओगी? अरे मैं विश्वनाथ जी की बहू हूँ, कुछ अच्छा वच्चा सा फंक्शन होना चाहिए। क्यों? जरूर। अच्छा अपने ऑफिस वालों को मैं कह दूंगी, तुम मेरे ससुर जी को जाके न्योता दे के आओ। और हाँ विजय बाबू को जरूर। मिलवाएगी नहीं क्या? लो पूछा पति देव कहाँ है तो ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे कैलेंडर में लक्ष्मी जी मुस्कुरा आती है। अखंड सौभाग्यवती भव चांद सा बेटा पुत्र जी के अदे अदे भाई जिंदा। नमस्ते नमस्ते। पर्सनल सेक्रेटरी की गोद भराई में लाखों रुपए का सेट देंगे तो लोग ये सोचेंगे कि जरूर हमारे बीच कोई रिश्ता है। नहीं है क्या? है तो अपने मुंह से बता दीजिए क्या रिश्ता है। शर्म आ रही है तो मैं बता दूं, फ्रेंड्स हम रिश्ते में पति पत्नी हैं। हमारे एमडी साहब ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेकर मेरे गले में मंगलसूत्र डाला है। सुनिए तो, अब इन लोगों को ये खटक रहा होगा कि आपकी पत्नी होके भी मैं आपके घर में नहीं अपने माँ के घर में क्यों रह रही हूं। तो कम से कम ये तो बता दीजिए। लीजिए हमारे एमडी साहब फिर शर्मा गए, चलो मैं ही बता देती हूं। जिस तरह उन्होंने घाटे में चलती हुई हमारी कंपनी खरीदी थी उसी तरह उन्होंने एक मुसीबत में फंसी हुई लड़की भी खरीदी थी, यानी मैं। सॉरी 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 सॉरी, असल बात तो मैं बताना भूल ही गई। कुछ लोग आर्य समाजी तरीके से शादी करते हैं, कुछ रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं। हमारे एमडी साहब ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, यानी कि एक साल का अग्रीमेंट। बोले कि अगर इस एक साल में मेरे लिए प्यार जाग उठा तो जिंदगी भर के लिए रख लेंगे वरना छोड़ देंगे। प्यार नहीं जागा, छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि कभी कभार उस एक साल में प्यार जाग उठा था तो मेरे पेट में ये उसी का नतीजा है। हैरत की बात तो ये है कि आजकल फिर से इनको मुझ पर प्यार जाग उठा है, इसलिए घाटे में चलती हुई कंपनी खरीद ली, मेरे जन्मदिन पर स्टाफ को बोनस दे दिया, जब मुझे महीने चढ़ गए तो लग्जरी बस का इंतजाम कर दिया और आज हीरो का हार दे रहे हैं। पुत्र उसने बोनस दिया या बस चलाई जो भी किया तुम्हारी खातिर किया, वो बहुत बदल गया, अब वो बहुत प्यार करता है तुमसे पुत्र। लेकिन मुझ में अब आपके बेटे के लिए कोई प्यार नहीं बचा है और आप लोगों को बुलाने का मकसद ये नहीं जताना था कि मैं फलाना विश्वनाथ जी की सपुत्र मिस्टर विजय की पत्नी हूँ। तो फिर ये तमाशा क्यों किया सबके सामने इन लोगों को बदनाम करने के लिए? नहीं, अपने पेट में पलने वाले इस बच्चे के लिए। मेरे गले में मंगलसूत्र और पांव में बिछिया देखकर मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मेरा पति कौन है, लेकिन कल को मेरे बेटे का जरूर पूछा जा सकता है कि तुम्हारा बाप कौन है। तो लोग असलियत जान ले इसलिए आप सबको बुला गया था। आप आए, बहुत मेहरबानी की, अब आप जा सकते हैं। मेरा बेटे, मेरे खानदान का चिराग, मेरा पोता तेरी कोख में पल रहा है, अब छोड़िए सब झगड़ा और कार चल। सॉरी सर, अग्रीमेंट करते वक्त ना आपके बेटे ने पूछा और ना मैंने बताया कि अगर इस चक्कर में कोई बच्चा बच्चा पैदा हुआ तो किसका कहलाएगा। ये तो हमारे वक्ती प्यार की रसीद है, इनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बलि चढ़ गई मेरी जिंदगी की ज़ेरॉक्स कॉपी है।
ये बच्चा मेरा है और मेरा ही रहेगा। वाह शाबाश, गोद भराई के नाम पे लोगों को जमा करके सबको ठोक बजाकर बता दिया कि तुम कितनी शरीफ हो और मैं कितना गया गुजरा हूं। माफ करना, तुम भी कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं हो जिसके साथ मैं सोने के लिए तरस रहा था, पागल हो गया था। पहले ही एग्रीमेंट में साफ साफ बता दिया था और तुमने भी मुझे कोई पसंद करके प्रेम की खातिर इसे कबूल नहीं किया था। तुमने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझसे शादी की और अपने घर की सारी मुश्किलें हल कर ली, तो अब किस बात पर अकड़ रही हो? मैंने कहा कि मुझसे भूल हुई, कहा कि मैं औरत की जगह समझ गया, मैंने एग्रीमेंट फाड़ कर फेंक दिया तो तुमने जवाब में थप्पड़ मार दिया, कहा कि घर पर आयो तो चाय पी कर जाइएगा, अपने बच्चे को वक्ती प्यार की रसीद बता रही हो, अपनी बर्बाद जिंदगी को जीरोक्स कॉपी कह रही हो, क्या मतलब है इस डायलॉग का? मैंने कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, रेप किया था तुम्हारा? अरे तुम जैसी औरत को एक एक दिन के एक एक घंटे के लिए खरीद सकता हूं, इतनी हैसियत है मेरी और तुम भी अच्छी तरह जानती हो। लेकिन मैं आप तुम्ही को चाहता हूं, जानती हो क्यों? क्योंकि जितने वक्त तुम मेरे साथ थी तुम्हें सिर्फ मेरा ख्याल था, लेकिन जब से तुम गई हो मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। इसलिए अगर कोई सुधरना चाहे तो उसे सहारा देना चाहिए, ना कि उसे और सताने की जिद ठा लेनी चाहिए। अगर सचमुच में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहूं ना तो यूं कर सकता हूं, मैं अब भी दूसरी शादी कर लूं और कह दूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है तो काफी है, पर वो मेरा चरित्र नहीं है। मैं अभी तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं मेघा। तुमने मुझे ठुकराया, अपमान किया, नीचा दिखाया, कोई दूसरा होता ना तो बद्दुआ देता बद्दुआ, लेकिन मैं अब भी तुम्हें सच्चे दिल से दुआ देता हूं, खुश रहो, आबाद रहो, गॉड ब्लेस यू। जीजाजी बस कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। अरे माना कि मैंने तुम्हारी बहन से बिना प्यार के शादी की, लेकिन उसे छोड़ने के बाद बहुत प्यार किया है। कितना तड़पा हूं, कितना रोया हूं, बार-बार उससे माफी मांगी, फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। और देखा आज किस तरह बर्ताव किया उसने मेरे साथ। जीजाजी प्लीज छोड़ दो मुझे सुधाकर, छोड़ दो। महाराज आप बस भी करो, आपको मेरी दोस्ती की कसम। दोस्त क्या, भाई क्या और पिता क्या, कोई मेघा की जगह तो नहीं ले सकता ना जर्मन। सच अब मैं समझ गया हूं, औरत का दिल एक बार टूटे तो फिर कभी नहीं जुड़ सकता। ऐसा मत बोलिए छोटे मालिक, राम और सीता की तरह आप दोनों फिर मिलेंगे। ये राम कथा भी राम सीता के मिलन के बिना ही खत्म हो जाएगी सलीम। नहीं जीजा जी, हम आप दोनों को मिलाकर ही दम लेंगे। हाँ, बेगाजी के दिल में आप रहते हो, हम ये साबित करके दिखाएंगे। चलो बराज चलो।